हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस आज की वीडियो में मैं आपके साथ नेहा हर्बल मेहंदी का रिव्यू प्लस डेमो शेयर करने लगी हूँ स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग कैरेटिन वाले बालों पर भी आप इस मेहंदी का यूज़ कर सकते हैं इस मेहंदी का यूज़ आपको किस तरह से करना है सही तरीका क्या है मेहंदी का यूज़ करने का पूरा रिव्यू और डेमो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होप गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को कर दे सब्सक्राइब तो चलिए गाइज़ बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गेट तो गाइज ये नेहा हर्बल मेहंदी एंड रीस्ड विद एलोवेरा हिबिकस एंड ग्रीन टी तो इसके जो इंग्रेडिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है काफी ज़्यादा अच्छे हैं और इतनी अफोर्डेबल मेहंदी है आप इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं इसके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं आप इसे सिंपल पानी में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं तो मैंने इसका ये टेन रुपीज़ का पाउच लोकल मार्केट स्टोर से बाय किया आप इसकी बड़ी पैकेजिंग भी बाय कर सकते हैं ऑनलाइन भी है। आपको ये वाली मेहंदी मिल जाएगी आप चाहे तो इसमें अलग से दही ऐड कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल इसमें डाल सकते हैं बीट रूट डाल सकते हैं और आप चाहे तो आप इसे सिंपल पानी में मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं आप चाहे तो इसमें एग भी ऐड कर सकते हैं इन सभी चीजों के यूज से आपके बालों में एक्स्ट्रा शाइन आएगी आपके बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की हो जाएंगे तो गाइस टेन रुपीज़ में आपको इसके ट्वेंटी ग्राम इसकी क्वांटिटी मिल रही है आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग यूज कीजिए जितनी आपको नीड है तो गाइज अगर आपने स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग या कैरेटिन करवाई है तब भी आप इस मेहंदी का यूज कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल हर्बल मेहंदी है और वैसे भी अगर आप आपके बाल काफी ज्यादा रफ हो गए हैं, ड्राई रहते हैं तब भी आप इस मेहंदी का यूज कर सकते हैं तो चलिए गाइज अब मैं आप, आपके साथ इस मेहंदी का डेमो शेयर करती हूँ तो गाइज़ मैंने इस मेहंदी को सिंपल पानी में भिगो लिया है और आधे घंटे के लिए मैंने इसे भिगो कर रखा है आप चाहे तो अगर आपको इंस्टेंट यूज़ करना है आपको कहीं जाना है तो आप उसी टाइम भिगो कर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं दो घंटों के लिए आपको इसे बालों पर लगा रहने देना है आप देख सकते हैं वाइट हेयर को कवर करने के लिए इस तरह से आपको मेहंदी का यूज़ करना है ताकि सारे बालों पर मेहंदी अच्छी तरह से लग जाए सेक्शन बाई सेक्शन आपको अच्छी तरह से मेहंदी का यूज़ करना है आप इस तरह के ब्रश का यूज़ कर सकते हैं इजली आप लोकल मार्केट स्टोर में ऐसा ब्रश बाई कर सकते हैं सिर्फ टेन रुपीज़ में बहुत ही अच्छी वाली मेहंदी का नेचुरल हर्बल मेहंदी का स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग कैरेटिन वाले बालों पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं दो घंटों के लिए आपको इसे बालों पर लगा रहने देना है इसके बाद आपको सिंपल पानी से हेयर वॉश कर लेना है शैम्पू का यूज़ आप मत कीजिए दो दिन बाद शैम्पू का यूज़ कीजिए जब आपके बाल अच्छी तरह से सूख जाएँ फिर अपने बालों पर ऑयलिंग कर लीजिए और दो दिन बाद जब आप हेयर वॉश करेंगे ना तो इसका रंग काफ़ी ज़्यादा पक्का आएगा कम से कम एक डेढ़ महीना आपको दोबारा मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको वाइट हेयर की प्रॉब्लम है और अगर आपको कहीं ज़रूरी जाना है तो आप उसी टाइम शैम्पू से हेयर वॉश भी कर सकते हैं तो जो फ्रंट के बाल हैं वहाँ पर व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो मैं सिर्फ़ वाइट हेयर को कवर करने के लिए ही ये वाली मेहंदी का यूज़ कर रही हूँ आप चाहे तो पूरे बालों पर मेहंदी का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहते हैं रफ़ रहते हैं रूखे सूखे बेजान है तो आप इस मेहंदी का रेगुलर यूज़ कर सकते हैं आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा बहुत ही अच्छी वाली मेहंदी है काफ़ी टाइम से मैं ये वाली मेहंदी यूज़ कर रही हूँ मुझे इसके रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे किसी भी तरह का कोई भी नुकसान मेरे बालों पर नहीं हुआ है तो आप चाहे तो आप इसमें बीट रूट ऐड कर सकते हैं कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं दही एग मस्टर्ड ऑयल ये सभी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं इससे बालों में शाइन ऐड होगी एज अ कंडीशनर दही वर्क करती है तो आपके बाल ना बिल्कुल कंडीशनर भी हो जाएंगे तो गाइज़ देखिए इस आसान तरीके से आपको मेहंदी का यूज़ करना है और दो घंटों के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है उसके बाद आपको सिंपल पानी से हेयर वॉश करना है तो गाइज़ आप मेरे बाल देख सकते हैं कि मेरे बालों पर कितना नेचुरल कलर इसका आया है होप गाइज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी मेहंदी या फिर हेयर से रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं हेयर से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ होप गाइज़ आपको मेरी ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए गाइज़ अब मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाय